वेलकम टू ई लर्निंग कंप्यूटर कोर्सेस सपोर्टेड बाय इंफोसिटी एंड ब्रेन टू ब्रेन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल की होम मेनू में सीखेंगे ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट से क्या कर सकते हैं हम लोग। सपोज सम करना है, किसी भी फिगर को ये सेलेक्ट कीजिए ड्रैग करके इस तरह, और जस्ट सम पे क्लिक कीजिए, ये टोटल हो जाता है इस तरह। टोटल ये 408 टोटल हो गया आपको। इसको हमने क्लियर कर लिया कंट्रोल जेड से। फिल से क्या कर सकते हैं, सपोज कि ये एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँ आपको, जैसे ये सेल है हमारा, ये कॉलम है और ये रो कहलाता है। अब किसी सेल में कंटेंट है, कोई भी फिगर है, जैसे ये 36 है, इसमें फिल करना चाहते हैं ये 33 को, तो फिल के अंदर आएंगे हम, फिल डाउन, 33 आपको फिल हो जाएगा, वो हट जाएगा आपका। सेल आपको मेंटेन होते रहता है ऑटोमेटिक, फिल से फिल ले सकते हैं। इस तरह आप अप डाउन किधर फिल करना चाहते हैं उस तरह आप कर सकते हैं। सपोज अप, अब ये फिगर है, जैसे हमने अप यहाँ लिखा, फिल किया यहाँ से अप की तरफ, तो ये अप, ये वाला अप उठेगा नीचे का सेल। ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद अब क्लियर। क्लियर में क्या क्या, देखिए क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट्स है, बहुत सारा है। अब इसमें पहले फॉर्मेट कीजिए, कैसे होगा फॉर्मेट, मींस कोई भी हम एडिटिंग ये फिल करते हैं फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जैसे यहाँ फॉन्ट कर दीजिए रेड कलर में, फिर हाईलाइटेड, ये एक फॉर्मेट कहलाता है हमारा। जैसे ये बोल्ड कर दिया हमने, इसको इटैलिक कर दिया हमने, ये अंडरलाइन लगा दिया, बोल्ड कर दिया, कोई भी कलर फिल, ये सारा फॉर्मेट है। बहुत सारे इस तरह फॉर्मेट है, लेकिन अब हमको ज़रूरत नहीं फॉर्मेट को। टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे। क्लियर क्या है, क्लियर ऑल सारा हमारा कंटेंट जो सेलेक्ट है क्लियर हो जाएगा। हमने अगेन कंट्रोल जिट करके उसको वापस लाया। क्लियर फॉर्मेट से सिर्फ फॉर्मेट ही हमारा क्लियर होगा, जितने हमने फॉर्मेट किया वो क्लियर हो गया। क्लियर कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन्स हमारा जो इसमें है वो कंटेंट्स पूरी इसमें पूरी, इस तरह कंटेंट्स क्लियर हो जाता है। और इसमें एक चीज़ है, जैसे ये कमेंट्स लगानी है, कमेंट्स लगाने पड़ेगा आपको। जैसे मैं ये 48 सेलेक्ट किया, कमेंट्स लगाने के लिए रिव्यू में आए हैं, हाँ आपको न्यू कमेंट्स, हाँ बोले प्लीज, हमने यहाँ लिखा प्लीज़ चेक द वैल्यू, अब यहाँ कोई भी अगर बंदा इसमें बैठा हुआ रेड निशाना तो पढ़ सकते, इसमें क्या कहना चाहता है कोई दूसरा, अगर आप कोई टाइप करता हो इसमें और कोई कमेंट्स लगा के चला गया, वो बंदा नेक्स्ट जो दूसरा बैठेगा इसको चेक कर सकता है। तो कमेंट्स कहाँ कहाँ लगा हुआ, बहुत सा लगा रहेगा, अगर ज़रूरत पड़े यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जैसे न्यू कमेंट्स लगाया, प्लीज़ मैच द वैल्यू, जो भी लिखा मैच द वैल्यू, इस तरह कमेंट्स लग गया। अब कमेंट्स हटाने के लिए कहीं भी रह कर दें, यहाँ पर आएंगे हम टेबल के अंदर रहते हुए मैं, और मेनू क्लियर कमेंट्स, जहाँ जहाँ कमेंट्स रहेगा वो कमेंट सेलेक्टेड होना चाहिए। अब इसको हटाना चाहते हैं, कमेंट नहीं चाहिए हमें,
तो क्लियर में आएंगे और ये क्लियर कमेंट्स और बहुत सारे कमेंट्स लगे रहते हैं, हम दूसरी जगह से यहाँ फाइंड कर सकते हैं, कहीं भी आके रिव्यू न्यू कमेंट्स है नेक्स्ट कहीं पे आएगा आपको फाइंड करने का, वहाँ से फाइंड भी किया जा सकता है। आगे मेन्यू में हम बताएंगे, इसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए, हटाने के लिए होम मेन्यू में गए और क्लियर कमेंट्स, इस तरह हम क्लियर से काम सारा ले सकते हैं। शॉर्ट आइए, शॉर्ट में क्या करते हैं, जैसे किसी भी फिगर या टेक्स्ट का शॉर्टिंग किया जा सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज कि ये हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया जिसमें नाम है रहीम है अनीस है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉर्मल में है जैसे। तो यहाँ पे हम गए फिल्टर ए टू जेड, असेंडिंग ऑर्डर का लगाइए, जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हम जैसे सपोज कीजिए कि हम अगर छत पे सीढ़ी से उठ रहे असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, छत से डाउन की तरफ तो डिसेंडिंग की तरफ, यानी असेंडिंग हमेशा बढ़ते जाएगा डिसेंडिंग हमेशा घटते जाएगा। तो इस तरह हम क्या किए, एक ऑर्डर में डाल दिए ए टू जेड, तो जितने ओके कंटिन्यू विद दिस करेंट सेलेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है शॉर्ट, तो ये ए पहले आएगा उसके बाद बी आएगा उसके बाद सी आएगा, इस तरह। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो ये उल्टा जस्ट होगा। फिल्टर में गए जेड टू ए, कंटिन्यू विद दिस सेलेक्शन जो हमारा सेलेक्शन है शॉर्ट, इस तरह हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। हमने टेबल को नॉर्मल कर लिया, फिर अब आते हैं इसमें क्या है, फिल्टर में आते हैं, टेबल सेलेक्ट कीजिए, पहले टेबल सेलेक्शन होना चाहिए। हमने टेबल को सेलेक्ट किया इस तरह, फिल्टर में गए, फिल्टर पर क्लिक किया, ये डॉट्स का निशान एरो का निशान आ गया। अब फिल्टर इस किसी भी कॉलम में हम कर सकते हैं, सपोज कि ये कॉलम में है ज्योग्राफी के कॉलम में, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर इक्वल्स आए, बहुत सारा इक्वल है, डू नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, कोई एक फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सपोज ये टेबल बहुत बड़ी है, हम फर्स्ट डिवीजन को ये जो ज़्यादा नंबर लाए उसको कुछ अवार्ड देना चाहते हैं, हम फिल्टर बोले कौन कौन सा है, जैसे इक्वल टू 40 कौन है, सपोज इसमें है नहीं, पहले इक्वल टू इसमें टेबल इसमें 40 और कर देते हैं या इसको 50 करते हैं, क्लिक किया इक्वल टू 50 कौन कौन है वो लिस्ट या उसका नाम बाहर आ जाए, ओके जस्ट। तो ये टेबल के बाहर कर रही है जो इसमें और एक निशान आ रहा है, यानी 50 लाने वाले स्टूडेंट में मिली अनु पैन दानिया है। इसको ठीक करने के लिए टेबल आई जी टिच करने के लिए टेबल के पास ही रहने पड़ेगा कर्सर को, फिल्टर क्लियर, फिल्टर क्लियर हो जाता है। इस तरह फिल्टर से काम लिया जा सकता है, टेबल को बहुत सी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये टेबल में फिल्टर का जो निशान है उसको हटाने के लिए जैसे इसको ऑफ कर देंगे और टेबल हट जाएगा। अब आते हैं हम फाइंड की तरफ, फाइंड से क्या सकते हैं, टेबल के अंदर रहते कोई भी फिगर फाइंड हो जाए कहीं भी टेबल के अंदर, कर्सर को होना चाहिए। सपोज कि ये 35 पे हमने कर्सर को रखा, फाइंड फाइंड व्हाट टेक्स्ट लिखा हमने, 40 कहाँ कहाँ, फाइंड 40 नेक्स्ट जस्ट क्लिक किए, पहले क्लोज करते हैं, फाइंड के अगेन फाइंड फाइंड के तरफ आए, हमने लिखा फाइंड व्हाट 40 फाइंड नेक्स्ट, मैच होना चाहिए, मैच देख लेते हैं फॉर्मेट में क्या क्या हमारा, फोर्टी है नहीं क्या, 40 टेबल में नहीं है, दूसरा मैच नहीं कर रहा, हम दूसरा फिगर लिखते हैं, जैसे 50 लिखा हमने, फाइन नेक्स्ट।
इस तरह 50 यहाँ आया और कहीं पे वहाँ चला जाएगा फाइंड नेक्स्ट, जहाँ जहाँ 50, इसमें 50 लगा हुआ इसलिए इसको लिया। लेकिन आपको फाइंड करने के लिए कर्सर एकदम ऊपर होना चाहिए। अगेन हम दिखा रहे हैं, फाइंड फाइंड पे गए, सपोज की थर्टी थ्री फाइंड करना है आपको, 33 कौन कहाँ कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट 33 पे आया, फाइंड नेक्स्ट ये 33 आया, यानी कौन कौन आप बहुत ज़रूरत पड़ती है, कौन सा स्टूडेंट है जो 33 लाया है या उससे ज़्यादा लाया, फाइंड आसानी से कर सकते हैं किसी भी फिगर को फाइंड के जरिए। रिप्लेस सपोज की 33 है, जहाँ भी 33 है उसको हम 55 नंबर या 40 करना चाहते हैं, जस्ट टेबल के अंदर कर्सर होना चाहिए, फाइंड रिप्लेस जितने भी 33 है उसको क्या करना है, 40 कर देना है, 40 रिप्लेस ऑल एक साथ हो जाएगा। अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे 33 देन रिप्लेस करेंगे तो वो 40 हो जाएगा, और बहुत जल्दी करना तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा 33 जो है वो 40 में हो गया। इस तरह हम फाइंड से फाइंड कर सकते हैं। गो टू के लिए पहले आपको सेल एड्रेस आपको लिख लेने पड़ेगा, सपोज ये 35 का सेल एड्रेस डी एंड 9 है, तो फाइंड गो टू में गए, गो टू में जाने के बाद हमने D9 लिखा, सपोज क्या सेल एड्रेस हमने किया, इसका है आपका D9, तो हमने लिखा D9, ओके किया, अगेन इसको सेल एड्रेस बना लिया, 41 का सेल एड्रेस हमारा हो गया D13, फाइंड गो टू D13, ओके। अब ये हम वहाँ तक जा सकते हैं गो टू के जरिए, सपोज कि हम यहाँ पे या कहीं भी रहे इस वक्त, हमारा कर्सर फाइंड गो टू कोई भी सेल एड्रेस हमारा बना, गो टू D9, ओके यहाँ पे आ जाए, यानी आसानी से हमारा जो बना रहे वहाँ तक हम उस वैल्यू तक या उस सेल एड्रेस तक जा सकते हैं जो हमने गो टू के जरिए बनाया था। उसी तरह अगर गो टू स्पेशल है, फार्मूला, वैलिडेशन, ये सब लगा नहीं है आपके टेबल में, लगा होना चाहिए, आसानी से हम जा सकते हैं वहाँ तक गो टू के जरिए, फाइंड से फाइंड कर सकते, रिप्लेस से रिप्लेस कर सकते हैं। आज का लेसन यहीं तक, थैंक यू।